हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ स्पेशल। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस साइक्लोवियर IP 400 mg टैबलेट्स के बारे में। बेसिकली ये टैबलेट जो होती है वो स्पेसिफिक डिजीज़ में हम इसका यूज़ करते हैं। ये टैबलेट हमारी क्या होती है, इसके यूजेस क्या होते हैं, देन इसकी डोजेस हमें कितनी लेनी होती है, कौन सी आपकी डिजीज़ में, देन इसका साइड इफ़ेक्ट क्या रहता है, तो इन सब के बारे में मैं आपको डीपली बताऊँगी। तो जैसा कि मैं आपको अपनी काफ़ी वीडियो में काफ़ी एंटीबायोटिक एंटीड्रॉप के बारे में बता चुकी हूँ, देन आज हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक टैबलेट के बारे में। सो जो हमारे एंटीबायोटिक टैबलेट जो है, जो हमारी एंटीवायरल ग्रुप की टैबलेट है, ए साइक्लोवियर टैबलेट, जैसा कि मैं आपको ए साइक्लोवियर ड्रॉप के बारे में बता चुकी हूँ, तो बेसिकली ए साइक्लोवियर जो हमारी टैबलेट है वो क्या होती है। ए साइक्लोवियर जो टैबलेट है वो एंटीवायरल ग्रुप की या एंटीवायरल क्लास की टैबलेट है। इसका जो मेनली जो हम यूज़ करते हैं वो इसका जो यूज़ करते हैं वो वायरल इन्फेक्शन के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। लाइक हमारी आँख में क्या है, अगर वायरल इन्फेक्शन हर्पी जूस्टर वायरस इन्फेक्शन हो जाता है, देन हमारी काली पुतली में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, देन उसके लिए हम अगर इन्फेक्शन ज़्यादा हैवी होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या हमें टैबलेट्स की नीड होती है। अगर लाइटली कोई इन्फेक्शन है, सुपरफिशियली कोई इन्फेक्शन है, तो हम उसको आई ड्रॉप से ईजिली ट्रीट कर देते हैं। हर्पी जूस्टर वायरल इन्फेक्शन हो गया काली पुतली में तो हम टैबलेट का यूज़ करते हैं। प्लस वायरस और हर्पीस जूस्टर वायरस जो होते हैं उनकी ग्रोथ को कम या उनको किल करते हैं, जिससे क्या हमारी आँख में इन्फेक्शन नहीं हो जाता। सो अब हम इसकी बात करते हैं इसकी डोज की, कि हमें कैसे लेना। तो इसकी जो डोज होती है वो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, आपके डॉक्टर बताते हैं, वो डिपेंड करता है कि जो हमारी डिजीज़ है वो कितनी ज़्यादा सीवियर है, देन उस वो डिपेंड करता है उसकी सीवियरिटी पे। सो अब मैं इसकी बात करती हूँ। बेसिकली इसका ये यूजेस का, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, उसका हम वायरस इन्फेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस हो जाता है या हर्पीस जूस्टर वायरस की वजह से जो हमारी आँख में हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस और हर्पीस जूस्टर वायरस की वजह से जो हमारी आँख में इन्फेक्शन देखने को मिलता है, तो इसका यूज़ वहाँ पर किया जाता है। सो अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। अगर टैबलेट का जो बेसिकली जो साइड इफ़ेक्ट जो देखने को मिलता है, तो लाइक आपको डायरिया हो सकता है, डेजीनेस हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती हैं, इस तरह के आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर आपकी कोई भी किडनी की दवाई चल रही है या फिर आपका कोई हार्ट की दवाई चल रही है, तो उस कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं, सेफ़ टैबलेट है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।